हेलो गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एस के जहाँ सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर सत्रह को ठीक है तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ए रहा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना बेहतरीन है बोल रहा है कि एक पुलिस वाला दो मीटर दूर खड़े चोर को पहचान लेता है तो चोर जो है भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला पीछा करना शुरू कर देता है चोर तथा पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर तथा 11 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ते हैं तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी यानी डिस्टेंस क्या होगी देखो यहाँ पुलिस वाला है और पुलिस वाला को क्वेश्चन बोल रहा है कि चोर से 200 मीटर पीछे है तो चोर यहाँ पर होगा जाहिर सी बात है कि आगे होगा 200 मीटर और जैसे ही चोर देखता है पुलिस को तो अपना स्पीड दस किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो भागना स्टार्ट कर देता है तो पुलिस क्या करती है कि पुलिस उसको पकड़ने के चक्कर में अपना चाल 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसको पकड़ती है तो मेरे दोस्त अगर डिस्टेंस देखा जाए कि 6 मिनट में कितना डिस्टेंस इन दोनों द्वारा कवर किया गया यानी कि पुलिस और चोर द्वारा तो आप कहोगे कि दूरी बराबर होता है दूरी बराबर होता है चाल मल्टीप्लाई बाई समय चाल आपका देखो तो सापेक्ष चाल यहाँ पर है मेरे दोस्त ट्रेन चैप्टर आप लोग पढ़े होइएगा तो जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है तो चाल को हम लोग माइनस करते हैं यानी कि बड़ा वाला की चाल में से छोटा वाला के चाल को घटा लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर सापेक्ष चाल का नियम लगा लीजिएगा तो चाल कितना हो गया एक किलोमीटर पर आवर तो यहाँ पर सबको हम सेकेंड में बदल देते हैं और मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको मीटर में दिया है ठीक है तो एक किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ पाँच बाई अठारह से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और समय दिया है आपको छ मिनट तो छ मिनट का आने का मतलब इसमें साठ से गुना कर दोगे तो आपका सेकेंड में हो जाएगा सब यूनिट आपको बराबर हो गया तो यहाँ पर दूरी देखिए तो कितना आ रहा है छिया अठारह तीन बीस साठ बीस पाँचे सौ मीटर तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि छह मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी तो मेरे दोस्त उनके बीच की दूरी का फैसला क्या रह जाएगा 100 मीटर तो अब ये डिस्टेंस कवर कर दिया है और 200 मीटर ये डिस्टेंस पीछे से चला जा चला था तो 100 मीटर में कवर किया अब तो फैसला 100 मीटर का रह जाएगा यानी कि 100 मीटर अभी भी उन लोगों के बीच की डिस्टेंस बनी रहेगी ठीक है तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर ए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है कि एक बैग में से तेरह सफेद यानी थर्टीन वाइट और सात ब्लैक बॉल हैं बे बेतर तीब इसका मतलब होता है रेंडमली ठीक है यानी आद्रिक्छिक दो बाल निकाले जाते हैं इसमें एक ही रंग होने की पारीखता क्या है देखो तो से तेरह गुम्यालो या तो सफ़ेद दोनों निकल जाएगा तेरह सी हो जाएगा या फिर काला दोनों निकल जाएगा तो सेवन सी हो जाएगा अब बोलोगे या सर या का मतलब प्लस होता है तो मेरे दोस्त हाँ परमुटेशन कम्बिनेशन आप लोग पढ़िएगा तो या बोल रहे हैं तो या का मतलब प्लस अगर और बोलते तो और का मतलब होता है गुणा ठीक है ये तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई इसके टोटल परिणामों की संख्या देखा जाए तो कितना हो जाएगा तेरह सात आपका बॉल कितना हो जाएगा बीस यानी कि तो बीस गो में से दो गो निकल रहा है ठीक है तो बीस सी टू अब इसी को आप लोग हल कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा जैसे तेरह सी टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं तेरह का फैक्टोरियल बट्टे में तेरह माइनस दो यानी कि ग्यारह का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई दो का फैक्टोरियल ये सूत्र नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एन सी आर बराबर होता है एन का फैक्टोरियल बट्टे में एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन टू आर का फैक्टोरियल ठीक है तो इतना हो गया प्लस सेवन का फैक्टोरियल बट्टे में सेवन माइनस टू यानी कि फाइव का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई दो का फैक्टोरियल बट्टे में आपका हो जाएगा बीस का फैक्टोरियल बट्टे में बीस माइनस दो यानी अठारह का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई दो का फैक्टोरियल ठीक है एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि फैक्टोरियल जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पांच तो फैक्टोरियल पांच का मतलब क्या होता है कि पाँच चार तीन दो एक आपको पाँच से लेकर एक तक का गुणा करना है ठीक है तो उसी प्रकार अगर हम तेरह को बोलें तो इसको क्या लिख सकते हैं तेरह मल्टीप्लाई बाई बारह और यहाँ पर ग्यारह पर फैक्टोरियल लगा देते हैं क्योंकि ग्यारह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्यारह का फैक्टोरियल नीचे है तो काटने के लिए हम ग्यारह के फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दिए ठीक है और बट्टे में हो जाएगा ग्यारह का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई दो का फैक्टोरियल प्लस इसको सात को क्या लिख सकते हैं सात मल्टीप्लाई बाई छः मल्टीप्लाई बाई पाँच का फैक्टोरियल बट्टे में पाँच का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई दो का फैक्टोरियल और टोटल के बट्टे में आपको दिया गया है कि 20 का फैक्टोरियल तो 20 को क्या लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई उन्नीस मल्टीप्लाई बाई अठारह का फैक्टोरियल बट्टे में 18 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई दो का फैक्टोरियल आप सबको काटो तो 18 का फैक्टोरियल 18 का फैक्टोरियल कैंसिल 11 का फैक्टोरियल कैंसिल और दो का फैक्टोरियल होता है दो ही तो दो छके बारह छ और इसको आप लोग काटिए तो पांच का फैक्टोरियल पांच का फैक्टोरियल कैंसिल दो तियाई छः तो ये कितना हो जाएगा सात तिहाई इक्कीस ग्यारह का फैक्टोरियल कट गया है तेरह छः के अठहत्तर प्लस इक्कीस अठहत्तर प्लस इक्कीस जोड़ लीजिए तो अठहत्तर प्लस इक्कीस कितना हो जाएगा अठहत्तर प्लस इक्कीस यानी कि आपका हो गया नाइन्टी नाइन यहाँ पर नाइन्टी नाइन हो गया और बट्टे में कितना बचा दो का फैक्टोरियल से काट लीजिए दो दहा में बीस उन्नीस दहाँ में एक सौ नब्बे बचा तो आपका राइट आंसर बड़ा ऑप्शन नंबर डी आप इस स्टेप को चाहो तो स्किप कर सकते हो डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं ठीक है आदमी और कुत्ते का अनुपात पांच रेशियो टू है यानी आदमी कुत्ता का अनुपात यहाँ पर दिया है आदमी और कुत्ता अगर यहाँ पर एक लिखा एक के टर्म्स में हम लिखना चाहें तो पाँच एक्स रेशियो टू एक्स हो जाएगा ठीक है यहाँ पर लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा ठीक है बोल रहे हैं कि रेलगाड़ी में कुल चौवन पैर हैं तो कुत्तों की संख्या क्या होगी तो मेरे दोस्त आदमी को दो पैर होता है और पाँच गो आदमी है तो दो मल्टीप्लाई कर दो पाँच यूनिट आदमी है तो और कुत्ता को चार होता है तो चार से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो में देखो तो टोटल पैरों की संख्या कितना आ जा रहा है तो आप कहोगे कि सर पांच दुना के दस और चार दुना के आठ अठारह यूनिट आ रहा है यानी लेकिन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि चौवन पैर हैं ठीक है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा अठारह चौवन तो अब आपसे पूछ रहा है कि कुत्तों की कुल संख्या क्या है तो कुत्तों की संख्या यहां पर दो यूनिट है तो दो मल्टीप्लाई बाई थ्री यानी कि छ हो जाएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आइए क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं के दो लगातार मील के पत्थरों का आनामन कोण 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें यहाँ पर मान लीजिए कि हवाई जहाज है और दो मील के पत्थर हैं यहाँ पर ऐसे और ये बना रहे हैं आउमन कोण कितना डिग्री साठ डिग्री ठीक है तो हवाई जहाज से लंबो दूरी देखा जाएगा तो ये हो जाएगा और इसको आप लोग मिला लीजिए और इसके साथ कितना बला रहा है ठीक दाएं और बाएं ये हो गया दाएं ये हो गया बाएं बाएं बना रहा है आपको ऑनमन कोण 45 डिग्री ठीक है तो एक अंतर एकांतर कोण से हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री ठीक है तो आप रेशियो बैठा लीजिए आपको तो सिखाए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना तो ये हो जाएगा रूट थ्री और ये हो जाएगा वन तो टैन पैंतालीस बराबर होता है आपको टैन पैंतालीस डिग्री बराबर वन बट्टे में वन तो यहाँ पर तो अंडर रूट उ है तो यहाँ पर भी अंडर रूट होना पड़ेगा तभी ना वन बट्टे में वन होगा अरे मेरे दोस्त अंडर रूट उ में अंडर रूट थ्री आपका एक बट्टे में एक नहीं हो जाएगा लंब और आधार के रेशियो में सजाना है तो इतना तो आपका आ गया लेकिन क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है इधर है बोल रहा है कि हवाई जहाज से ठीक और ठीक दाएं और बाएं सड़क के दो लगातार मील के पत्थर यानी दो लगातार मिल इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि कितना यूनिट डिस्टेंस दे रहा है ठीक है क्वेश्चन में हम देखें कि इसका जो सोल्यूशन है उसमें डिस्टेंस माना है रूट थ्री जबकि ये बिल्कुल गलत है ठीक है तो आइए बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरीका से बनेगा उसके बाद जो आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू दिया रहेगा आप निकाल सकते हैं यानी यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में इरर टाइपिंग से हो गया है ठीक है यानी कि वन प्लस रूट थ्री का वैल्यू यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देगा मान लीजिए कि यक्ष दिया है तो अब आपसे पूछ रहा है कि हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें तो हवाई जहाज की ऊंचाई कितना है रूट थ्री यूनिट तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा एक्स बटे में वन प्लस रूट थ्री तो यहाँ पर रूट थ्री यूनिट का वैल्यू हो जाएगा एक्स बटे में वन प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री ठीक है अब x का कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हो सकता है तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आइए क्वेश्चन नंबर फाइव क्योंकि यहाँ पर दो लगातार मिल का मतलब नहीं हो रहा है कि दो मिल यहाँ पर डिस्टेंस दे रहा है कि क्या दे रहा है तो दो मिल दो देगा डिस्टेंस तो दो, दो मान के बनाइएगा लेकिन दो मान के बनाए तो आपका आंसर मैच नहीं किया इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक वेरिएबल मान दिए कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है एक्स है ठीक है तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आइए क्वेश्चन नंबर फाइव बोला है कि यदि वन बटे में कॉस थीटा बराबर ए प्लस वन बटे में फोर ए है तो टेन थीटा प्लस वन बटे में cos थीटा का मूल्य क्या होगा यानी कि वैल्यू क्या होगा ठीक है तो एक बटे में cos थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं सेक थीटा तो ये हो जाएगा सेक थीटा क्योंकि वन बटे में cos थीटा बराबर होता है आपको सेक थीटा तो सेक थीटा बराबर इतना दिया गया है और वन बटे में कोस थीटा को यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेक थीटा और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं देखो तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ शेख स्क्वायर थिट्टा बराबर होता है वन प्लस टैन स्क्वायर थिट्टा ठीक है और एक और आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ याद हमेशा रखिएगा कोशे स्क्वायर थिट्टा बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थिट्टा और साइन स्क्वायर थिट्टा प्लस कॉस स्क्वायर थिट्टा बराबर होता है आपको वन ये आपको तीन आइडेंटिटी याद रखना है हमेशा बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसका यूज किया जा सकता है ठीक है तो यहां पर टेन थीटा तो टेन को अभी सेक के फॉर्म में बदल लीजिए क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू हमको पता है तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो यहां पर देखो तो टेन थीटा अगर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और प्लस हो जाएगा आप थीटा ठीक है तो सेक थीटा का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर दिया हुआ है देखिए रखते हैं ये हो जाएगा वन प्लस वन बट्टे में फोर ए टू द पावर होल स्क्वायर है और माइनस वन प्लस सेक थीटा आपको बाहर है ये टोटल अंडर रूट में है ठीक है तो अंडर रूट में स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो यहाँ पर मैं डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक बट्टे में सोलह ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए और बी कितना है बटे फोरे, एक, है वन में माइनस एक ठीक और यहाँ पर प्लस एक ठीक तो यहाँ पर देखिए तो कुछ कट रहा है मेरे दोस्त यहाँ पर ए से ए कैंसिल ए हो जाएगा टू से टू बार में तो आ गया एक बाई टू माइनस एक यानी एक बाई टू माइनस एक कहने का मतलब कि माइनस एक बाई टू आ गया माइनस एक बाई टू तो यहाँ पर जब प्लस एक बाई टू आ रहा था तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था और यहाँ पर माइनस एक बाई टू आ गया तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि टू ए बी की जगह पर माइनस एक बाई टू आ जा रहा है ठीक है तो ए आपका हो जाएगा ए प्लस वन बट्टे में फोर ए का अच्छा वन माइनस वन माइनस फोर ए का होल स्क्वायर वन माइनस फोर ए का होल स्क्वायर ठीक है ये टोटल हो गया होल स्क्वायर अरे मेरे दोस्त एक बट्टे में दो माइनस एक होता है ना वन बट्टे में टू ठीक है तो ये आपको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो गया आपको करके एक बार देख लीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं तो हो रहा है ठीक है और प्लस सेकटा तो सेख ठीटा का वैल्यू कितना दिया है वन प्लस वन में फोर ए देखो तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा ए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया तो आपका आ गया कितना ए माइनस वन बट्टे में फोर ए प्लस ए प्लस वन बट्टे में फोर ए यानी फाइनली आपका आंसर बना ए प्लस ए यानी कि टू ए ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत भी बेहतरीन क्वेश्चन बोल रहा है कि दो भाइयों की उम्र का अंतर उनके माता पिता की उम्र के अंतर का आधा है बड़ा भाई 28 वर्ष का है जब छोटे भाई का जन्म हुआ था जो अभी 25 वर्ष का है उस समय उनके पिता की उम्र जो है 38 वर्ष थी तो उनके माता की उम्र क्या थी देखो भाई और उसके छोटे भाई में डिफरेंट कितना का हुआ तीन बरिश का कहोगे हाँ अगर उस समय उसके पिता की उम्र 38 बरिश थी तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 25 बरिश और जुड़ जाएगा तो 38 प्लस पच्चीस कितना हो जाएगा आठ पांच तेरह के तीन और तीन दो पाँच एक 6, तिरसठ बरिश ये हो गया आपको डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बिटवीन बोथ बरादर समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक है तो ए बोल रहा है कि दो भाइयों की उम्र का अंतर उनके माता पिता के उम्र के अंतर का आधा है यानी ये जो अंतर है इनके बीच में जो अंतर होगा उसका आधा है तो इनके बीच में अंतर कितना का हो जाएगा अगर इसको पिता माने तो माता कितना बरस की होनी चाहिए संतावन तभी न इसके बीच में डिफरेंट जो होगा लॉजिक समझो मेरे दो सूत्र और ट्रिक कुछ नहीं होता है सिर्फ लॉजिक से क्वेश्चन बनाओ यहाँ पर तिरसठ है और संतावन घटा दीजिएगा इसमें से तो छः डिफरेंट हो जा रहा है और क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि दो भाइयों की उम्र का अंतर उसके माता पिता के उम्र के अंतर का आधा है तो उम्र का अंतर के आधा हो गया ये दोनों भाइयों के अंतर से ठीक है ये आपका दोगुना हो जाएगा पिता और माता की उम्र में जो अंतर है भाइयों से दोगुना हो जाएगा वही क्वेश्चन बोल रहा है कि भाइयों में जो डिफरेंट है उनके माता और पिता के डिफरेंट से आधा है ठीक है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आप बोलोगे कि सर तिरसठ को हम पिता क्यों माने हम इसको माता मान लेते हैं ठीक है तो मेरे दोस्त इसको माता मानोगे तो छः बरस का डिफरेंट ले आने के लिए तिरसठ में छः ऐड करना पड़ेगा उनहत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है ठीक है वो भी लॉजिक लग जाएगा लग जाएगा आपका आंसर हो जाएगा फिफ्टी सेवन लेकिन आप लोग तो यहीं पर फंसे रहोगे कन्फ्यूजन रहोगे कि सर डिफरेंट जो है तीन कैसे आया एक का तो दिया है अट्ठाईस वर्ष का है और एक का जो दिया है कि जो अभी पच्चीस वर्ष का है तो वर्तमान में कितना होगा तो मेरे दोस्त वर्तमान में देखा जाए तो ये बंदा जीरो वरिष्ठ का होगा ये तो दिया है कि जो अभी पच्चीस बरिश का है हम वर्तमान में देख रहे हैं तो वर्तमान में पच्चीस वरिष्ठ का है तो मेरे दोस्त उसका भाई अट्ठाईस वरिष्ठ का है तो वो भी जाएगा वर्तमान में तो वो भी कितना हो जाएगा पच्चीस वरिष्ठ घट जाएगा अरे पच्चीस वरिष्ठ घट जाएगा तो अट्ठाइस माइनस पच्चीस कितना हो जाएगा उसका भाई हो जाएगा तीन बरिश का है हो जाएगा जीरो बरिश का तो अभी भी डिफरेंट कितना है तीन है और आपको बार बार मैं कंसेप्ट सिखाता हूं कि जब ये दोनों के बीच डिफरेंट जो है तीन है आप सौ वर्ष के बाद दे दे पचास वर्ष के बाद दे दे करोड़ वर्ष के बाद दे दे तो डिफरेंट चेंज नहीं होता है सेम टू सेम रहता है ठीक है तो उम्मीद है कि ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा तो आइए क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन पर ये रहा देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया ए बराबर इतना तो वन माइनस वन बटे में ए बराबर क्या होगा यानी इसका रिवर्स तो ये बराबर लिख दो x प्लस वन बटे में x माइनस वन और इसका उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वन बटे में x प्लस वन क्योंकि वन बटे में दिया है तो ये नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे ठीक है तो इसका सिंपल तरीका से जोड़ बना लो तो ये हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बटे पर का जोड़ बना रहे हैं यार प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एक्स हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो टू एक्स और बट्टे में हो जाएगा आपको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस वन तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं आ तो बी होगा या ए होगा ठीक है तो इसको भी देख लो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल क्योंकि माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और वन से वन कैंसिल क्योंकि माइनस हो जा रहा है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दो एक्स दो एक्स कितना हो जाएगा चार एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पर मैं डायरेक्ट कैसे मेथड से अप्लाई किया जोड़ कैसे बनाया यहाँ पर देखो एक बटे में दो माइनस तीन बट्टे में दो आपको दिया रहे तीन बटे में चार ले लेते हैं तो इसको तिरछा गुणा कर, कर लो और इसको तिरछा गुणा कर लो और घटा लो यानी चार माइनस छः बटे में चार दुना के आठ नीचे का गुणा यानी इतना आपका आंसर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं बटर फ्लाई मेथड मेथड ठीक है बटरफ्लाई मेथड तो इसका तिरछा गुणा कर दिए और इसका तिरछा गुणा कर दिए और इसमें से इसको घटा लिए और इसका डायरेक्ट गुणा कर दिए ठीक है आप चाहो तो एलसीएम लेकर डायरेक्ट बना सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आइए क्वेश्चन नंबर आठ बोल रहा है कि पंद्रह परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक ट्वेंटी नाइन है ठीक है सुबीर जो है पंद्रह परीक्षाओं में कितना अंक लाया है ट्वेंटी नाइन ठीक है ला देते हैं अब बोल रहा है कि अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है आर डी का मतलब यहाँ पर इधर आ गया है अब कोई रुचिका है रुचिका अब सताइस वर्ष का यहाँ पर कुछ भी होगा सताइस का औसत बनाए रखने के लिए अच्छा सताइस का एवरेज बनाए रखने के लिए अब तक केवल ग्यारह परीक्षा दी है यहाँ पर ग्यारह है एक कट गया है 11 परीक्षा दिए तो सुबेर के प्रदर्शन के मेल के लिए रुचिका के शेष चार परीक्षाओं में औसत स्कोर कितना होगा देखो औसत पढ़ाए हैं और औसत का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जाकर वहाँ से कंसेप्ट सीख सकते हैं और मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताता हूँ लेकिन यहाँ पर भी आप सीख सकते हैं जैसे देखो ग्यारह में रुचिका लिया ये कितना ट्वेंटी सेवन तो अब शेष कितना परीक्षा बच गया रुचिका के लिए चार तो पूछ रहा है चार का औसत एवरेज यानी कि क्या है देखो क्या होता है हम किसी एक को इसमें से लेकर के मान लेते हैं एक को नहीं लेंगे यहाँ पर टोटल दिया रहेगा तो टोटल एक को लेकर मान लेते हैं कि उतना एवरेज है ठीक है यानी उनतीस एवरेज है तो सताईस को भी उनतीस होना पड़ेगा बोलो हाँ तो सताईस में कितना जोड़ेंगे दो और टोटल कितना परीक्षा है ग्यारह तो ग्यारह दूनी के बाईस हो जाएगा यानी ग्यारह लेकिन बांटना कितने है चार में अरे मेरे दोस्त केक कटेगा तो सब में बटेगा एक कंसेप्ट सीखो ठीक है एक कंसेप्ट मैंने बताया है तो ये हो गया चार तो दो धुना के चार साढ़े चार उन्तीस प्लस साढ़े पांच माफ कीजिएगा साढ़े पांच तो उन्तीस एकतीस चौतीस पॉइंट पांच तो आपका आंसर हो गया चौतीस पॉइंट पांच की ऑप्शन नंबर डी आइए क्वेश्चन नंबर नौ देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बोल रहा है सोलह सेंटीमीटर और नौ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी देखो यहाँ पर एक वृत्त है यहाँ पर मुझे चाह रहा था ड्राइंग आगे से कर लेना चाहिए था और एक वृत्त यहाँ है ये तो जाहिर सी बात है कि खींचेंगे तो टेढ़ा तो होगा ही क्योंकि ड्राइंग मुझे आता नहीं ठीक है ये सोलह सेंटीमीटर का है चलो किसी तरह समझते हैं और एक ये नौ सेंटीमीटर का है और ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है ठीक है अब थोड़ा सा अच्छा बना है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है तो बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करना है यहाँ पर देखो तो इसकी त्रिज्या सोलह और इसकी त्रिज्या तो दोनों के केंद्रों के बीच दूरी कितना हो गई आप कहोगे सोलह नौ पच्चीस ठीक है अगर ये स्पर्श रेखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्पर्श रेखा बना दे रहे हैं कुछ अलग कलर से ठीक है स्पर्श रेखा है ऐसे ठीक है और इसका ये त्रिज्या है बड़ा वाला विदित का और ये छोटा वाला विदित का तो आपको पता है कि जो स्पर्श रेखा होता है वो त्रिज्या पर लंब होता है तो यहां पर हो जाएगा लंब ठीक है एकदम आराम आराम से समझो कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं क्वेश्चन तो आपका सेकेंडो में बन जाएगा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है मैं चाहूँ तो अभी सूत्र लगा के बना सकता हूं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस डिस्टेंस को अगर हम मिला देते हैं ए ठीक है तो ये टोटल सोलह है और ये नौ है तो ये भी नौ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सात नौ सात सोलह तो यहां पर देखो तो नाइन्टी डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण है और कर्ण यहाँ पर पच्चीस यानी ट्वेंटी फाइव दिया है और एक आपका आधार सात दिया है और स्पर्श रेखा पूछ रहा है तो पच्चीस सात चौबीस का आपको ट्रिपलेट याद है तो सात चौबीस पचीस ट्रिपलेट होते हैं तो सात हो गया पच्चीस हो गया आपको चौबीस बच गया तो आपका आंसर कितना हो जाएगा चौबीस सेंटीमीटर सेंटीमीटर देखो ये होता है कंसेप्ट एक आपको बताए थे उसका मैं थ्योरम नहीं डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा उसके सूत्र के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ एक ट्रांसभर टेजेंट ट्रांसभर्स टेजेंट बनाए थे आपको कि इसका अगर लंबाई पूछे आपसे तो कैसा हो? क्या होगा तो उसके लिए सूत्र में निकाले थे डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर रूट अंडर ठीक है यह स्पर्श रेखा के लिए यह सूत्र निकाले थे ठीक है कंसेप्ट सीखना है तो सेट नंबर सोलह या पंद्रह जाकर देखिएगा आइए क्वेश्चन नंबर दस बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से दो वर्षों में बारह सो रुपया और उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से दो वर्षों में बारह नब्बे रुपया हो जाता है तो मूलधन कितना देखो कितना शॉर्ट क्वेश्चन है आप चाहो तो इसे पांच मिनट लेकर बना सकते हो और चाहो तो आप पांच दस सेकेंड में बना सकते हो क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अधिक अपना दिमाग खर्चा कर रहे हो यानी कितना इस क्वेश्चन में लॉजिक लगा रहे हो ठीक है तो यहाँ पी है तो इसको सजाओ यानी आर परसेंट इस पर मिला और आर परसेंट इस पर मिला तो दो बरिश हो गया एक बरिश ये होगा एक बरिश ये होगा और यहाँ पर दिया है कि दो वर्ष का साधारण ब्याज बारह सौ रुपया है तो आपको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक महीना या प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है तो पहला वर्ष में मिला होगा छः सौ रुपया और दूसरा वर्ष में मिला होगा छह सौ रुपया बारह सौ रुपया हो गया अब बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से दो वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं होगा क्या बोल रहा है कि दर से दो वर्षों में बारह सौ उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से अर्थात दर सेम है कि दर से दो वर्षों में बारह सौ नब्बे रुपया हो जाती है तो ये साधारण ब्याज है लेकिन जैसे दो वर्ष में हम इंटर करेंगे ये पहला वर्ष का साधारण ब्याज है ये दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज है अगर दूसरा वर्ष में हम इंटर करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलता है यानी आठ परसेंट इस पर भी मिलेगा तो वो कितना मिलेगा बारह सौ तो आपको साधारण ब्याज हो गया तो नब्बे रुपया मिलेगा बोलो हाँ तो अब आपको निकालना रह गया मूलधन तो निकल नहीं जाएगा मेरे दोस्त पहले आर निकाल लीजिए आर कैसे निकलेगा छह सौ का आर परसेंट आपको सौ नब्बे है तो आर परसेंट निकल जाएगा नब्बे बटे में छह सौ मल्टीप्लाई बाई सौ तो ये कितना हो गया सौ से छ से पंद्रह पंद्रह परसेंट आपका रेट आ गया पंद्रह परसेंट रेट आ गया तो पी का पंद्रह परसेंट छह सौ है यानी सब जगह पंद्रह पंद्रह बैठा दीजिए तो कहीं से भी आप पी निकाल लीजिए तो पी का 15% परसेंट छः सौ है तो पी पी बराबर क्या हो जाए पी का 15% परसेंट यानी 15 बाई सौ बराबर है 600 सौ तो पी बराबर आपका कितना हो जाएगा छः सौ मल्टीप्लाई बाई सौ बटे में पंद्रह यानी पंद्रह के साठ चालीस कितना हो गया चार हजार तो आपका आंसर हो जाएगा चार हजार यानी चार के ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर ग्यारह बहुत ही सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन है बोल रहा है कि पी के किस मान के लिए दीर्घात समीकरण चार एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस पी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो के मूल बराबर होंगे मूल बराबर कब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनाट जो होता है विवेचक डी इज इक्वल टू जीरो होता है और डी हम लोग निकालते कैसे हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो और मूल बराबर होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा तो बी के यहाँ पर कितना है तो यक्स का कोपिशियंट को बी कहते हैं तो बी यहाँ पर है माइनस टू इंटू पी प्लस वन और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं ठीक है और माइनस फोर ए सी तो फोर ए कितना है चार एक्स स्क्वायर का कोपिशियन को ए बोला जाता है तो ए सी सी कितना है कॉन्स्टेंट वैल्यू पी प्लस फोर तो ये तो भयंकर कैलकुलेशन आ गया फिर दीर्घाट समीकरण बन जाएगा तो क्या करते हैं कि हम लोग ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पाँच चार तीन बारह तो ऑप्शन ले लीजिए कोई भी जैसे पहले ऑप्शन पर चेक करते हैं आइए चेक कीजिए यानी पाँच तो क्या हो जाएगा माइनस दो मल्टीप्लाई बाई पाँच प्लस एक हो जाएगा छ और टोटल का होल स्क्वायर है माइनस चार मल्टीप्लाई बाई चार मल्टीप्लाई बाई पी को रख लिए हैं पाँच प्लस चार एक गुणे में है तो छः दुना के बारह यानी माइनस बारह का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक सौ चौवालीस माइनस पाँच चार नौ और चार चौ के सोलह नवा सोलह नवा एक सौ चौवालीस एक सौ चौवालीस यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पर आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया जीरो आ गया तो आपका आंसर बना क्या पाँच यानी पी का वैल्यू पांच है तब इस दीर्घात समीकरण का मूल जो होगा बराबर होगा ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर बारह बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बारह कि साढ़े चार सौ रुपये की धनराशि सरल ब्याज पर तीन वर्षों में पाँच सौ चार रुपया हो जाती है यानी साढ़े चार सौ से बढ़कर पाँच सौ चार रुपया हो गई तो कितना एस हो गया तो आप बोलोगे कि चौवन रुपया एस इसका हो गया अब बोल रहा है कि तो उसी ब्याज दर पर उसी ब्याज दर पर साढ़े छः सौ की राशि अढ़ाई वर्षों में कितनी हो जाएगी तो पहले रेट निकाल दो पहला पहला जो स्टेटमेंट दिया है उससे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा रेट 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 बराबर हो जाएगा आपको एस आई माइनस सौ बट्टे में पी टी ठीक है तो एस आई कितना है चौवन निकाले हैं चौवन मल्टीप्लाई बाई सौ बट्टे में पी ए साढ़े चार सौ और टी है आपको तीन बरस कटा लीजिए देखिए तो जीरो जीरो कैंसिल नौ छ के चौवन नौ पाँच के पैतालीस तीन दुना के छ पाँच दुना के दस आपका रेट आ गया रेट इज इक्वल टू फोर परसेंट अब बोल रहा है कि उसी ब्याज दर पर साढ़े छः सौ की राशि अढ़ाई वर्षों में कितनी हो जाएगी तो यहाँ पर निकाल लो एस आई तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा पी आर टी परसेंट आर टी परसेंट डायरेक्ट वैल्यू बैठा रहा हूं पी आपका साढ़े छः सौ है क्योंकि आपको सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है तो बच्चों का लास्ट वाला सूत्र है पी आर हो गया चार बटे में सौ और टी कितना दिया है अढ़ाई बरिस दो दुना के चार दुना के पांच बट्टे में दो ठीक है तो इसको कटा लीजिए काटिए देखिए तो पांच से बीस बार में चार से पांच बार में पाँच से तेरह पांच पैंसठ यानी एक सौ तीस तो एक सौ तीस को काट लीजिए एक सौ तीस तो दो से पैंसठ बार में पैंसठ बार में तो एस आई कितना हो गया पैंसठ रुपया तो अब पूछ रहा है कि साढ़े छह सौ की राशि ढाई वर्षों में कितनी हो जाएगी तो पैंसठ रुपया और रेड हो जाएगी तो साढ़े छह सौ और प्लस पैंसठ सात सौ पंद्रह रुपया हो जाएगी आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर सी आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है आप इसे शॉर्ट में कर सकते हैं ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर तेरह बोल रहा है कि उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न मर, निम्न पांच मदों में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है यहाँ पर व्यय की मदे दिया हुआ है यहाँ पर परसेंटेज व्यय दिया हुआ है क्वेश्चन है कि वह रुपया साढ़े आठ सौ मद तीन पद पर व्यथ करती है यानी तीन पद पर व्यर्थ करती है तो तीन पद पर कितना परसेंट है तीन व्यय की मदे हैं दस परसेंट व्यय तो दस परसेंट का वैल्यू दिया है आपको साढ़े आठ सौ तो पूछ रहा है कि मद दो और मद पाँच पर उसका कुल कितना व्यय होगा तो मद दो और पाँच देखिए तो दो पर आपको बीस परसेंट कर रही है और पाँच पर पंद्रह परसेंट कर रही है तो टोटल पूछ रहा है पैंतीस परसेंट का वैल्यू क्या होगा तो दस परसेंट का इतना तो पैंतीस परसेंट का कितना हो जाएगा पचासी सौ अरे पचासी सौ सही सॉरी साढ़े आठ सौ बटे में दस मल्टीप्लाई बाई पैंतीस कैंसिल कितना हो जाएगा आठ तिरी के चौबीस चौबीस सौ से अधिक ही आएगा सब ऑप्शन यहाँ पर बेवकूफ़ों जैसा सेट किया गया है सत्रह सौ बारह सौ ग्यारह सौ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखते देखते ठीक है क्योंकि मेरे दोस्त आठ सौ में जब आप तीन से गुणा करते हैं तो अठ तरी के चौबीस सौ तो यही हो जा रहा है

अरे पचपन सी पी माफ कीजिएगा पचपन सी पी बराबर एक्स एस पी है तो सी पी और एस पी का रेशियो लिखना चाहें तो हो जाएगा एक्स और पचपन ठीक है और लाभ परसेंटेज बोल रहा है दस परसेंट तो कितना यूनिट का लाभ हुआ पचपन माइनस एक्स यानी एस पी माइनस सी पी और बटे में सी पी अरे मेरे दोस्त बच्चा क्लास का ये बात है ठीक है बटे में सी पी और परसेंटेज के लिए सौ और टोटल का वैल्यू आपको दिया गया है टोटल का वैल्यू आपको दिया गया है कितना अरे 10 बोलो तो 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 दस एक्स बरादर, बरादर तो हो जाएगा जाएगा में बराबर बराबर आपको आ आ गया क्या यहां पर कुछ मिस हो रहा है क्या पचपन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई सौ और बराबर दस तो दस दहा में सौ यहाँ पर देखो तो कुछ तो मिस हो रहा है ताकि आंसर नहीं आ रहा है इसको अरेज करो फिर सोल्व करो क्या दिक्कत है ठीक है लेकिन समझो ये दस दहा में सौ हो जाएगा तो एक नहीं हो जाएगा यार दस से कम दस तो ये यह यहाँ पर लिख देते हैं पचपन माइनस एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई दस बराबर हो जाएगा एक्स तो ये हो जाएगा 550 सौ पचास माइनस दस एक्स बराबर एक्स तो ये हो जाएगा ग्यारह एक्स लंबा कैलकुलेशन खींच दिया ठीक है तो एक्स बराबर हो जाएगा आपको ग्यारह पाँच पचपन पचपन आ गया ठीक है कुछ मिस कुछ मिस पचपन वस्तुओं का क्रय मूल्य पचपन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा दस परसेंट का, का लाभ हो जाएगा ये कैसे होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है, है थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पचपन वस्तुओं का क्रय मूल्य पचपन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए और दस परसेंट लाभ हो जाए तो अजूबा हो जाएगा यहाँ पर लाभ परसेंट क्या लिखेंगे यानी टेन परसेंट बराबर अच्छा टेन परसेंट दिया था यार हम देखिए टेन परसेंट को इग्नोर कर रहे थे ठीक है यहाँ पर पचपन माइनस एक्स बटे में एक्स और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई सौ तो यहां पर देखिए तो यहाँ पर परसेंटेज से सौ कैंसिल तो हो जाएगा दस एक्स बराबर पचपन दस एक्स बराबर पचपन माइनस एक्स तो दस एक्स ग्यारह एक्स हो जाएगा ग्यारह एक्स बराबर पचपन तो x बराबर पांच कहीं मिस हो रहा है मेरे दोस्त इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा परसेंटेज है तो नीचे आएगा देखो यार बार बार मैं इस क्वेश्चन में मिस हो जा रहा हूँ एक बार जब दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है तो डिस्टर्ब ही रहता है ठीक है एक कितना हो जाएगा दस बटे में सौ बराबर पचपन माइनस एक्स बटे में एक्स मल्टीप्लाई बाई सौ तो दस दहाँ में सौ ये कितना हो जाएगा सौ एक्स बराबर पचपन दहा में पाँच सौ पचास माइनस दस एक्स तो हो जाएगा एक सौ दस एक्स बराबर पाँच सौ पचास तो ग्यारह पाँच पचपन इसको मार दो गोली ठीक है बाद में देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर पंद्रह बोल रहा है कि छह लड़के एवं चार लड़कियों के एक समूह में चार बच्चों का चयन करता है तो कितने विभिन्न भी प्रकार से उसका चयन किया जा सकता है ठीक है देखो बोल रहा है कि छह लड़के और चार लड़कियों के एक समूह में चार बच्चों का चयन करना है तो बोल रहा है कि कितने विभिन्न भी प्रकार से उसका चयन किया जा सकता है जिससे कि समूह से कम से कम एक लड़का अवश्य रहे यानी एक लड़का को अवश्य रखना है तो अगर टोटल देखा जाए तो टोटल में से हम लड़का चुन लेते हैं दसों में से ठीक है और बोल रहा है कम से कम एक लड़का रहना चा... अरे रहना चाहिए रहना चाहिए ठीक है तो लड़कियों को माइनस कर लेते हैं अरे मेरे दोस्त जितनी लड़कियों को आपको चुनना है चुन लीजिए चार गो लड़कियाँ चुन लीजिए और चार सी में से चार सी फोर चुन लीजिए यानी चार गो लड़की में से चार गो बच्चे को चुन लीजिए तो आप हो ही जाएगा कि समूह में कम से कम एक लड़का अवश्य रहेगा टोटल में से इतना घटा देंगे लड़की को तो कम से कम तो एक लड़का जरूर रहेगा ठीक है तो इसको आप हल हल कर लीजिए क्या बताए हैं एन सी आर बराबर बताए हैं आपको एन का फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल तो एन का फैक्टोरियल हो जाएगा आपको दस का फैक्टोरियल तो इसको दस को लिख सकते हैं दस मल्टीप्लाई बाई नौ मल्टीप्लाई बाई आठ मल्टीप्लाई बाई सात मल्टीप्लाई बाई छः का फैक्टोरियल लगा देते हैं क्योंकि दस माइनस चार आपका छह का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई चार का फैक्टोरियल तो चार मल्टीप्लाई बाई तीन मल्टीप्लाई बाई दो मल्टीप्लाई बाई एक हो जाएगा और माइनस चार का फैक्टोरियल और चार माइनस चार जीरो का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई चार का फैक्टोरियल आपको एक बात मैं बता रहा हूं यहाँ पर राज की बात जीरो का फैक्टोरियल बराबर वन होता है न की जीरो ठीक है जीरो इज रॉन्ग होता है, ठीक तो इसका फैक्टोरियल वन हो गया तो चार का फैक्टोरियल चार का फैक्टोरियल कैंसिल तो माइनस वन आपको करना पड़ेगा जो भी रिजल्ट आएगा ठीक है काटिए छह का फैक्टोरियल कैंसिल चार दुना के आठ दो से दो कैंसिल तीन से तीन तिया नौ तो कितना हो जाएगा तीन तिया नौ तो दस तिया तीस सातें दो सौ दस 210 में से एक घट गया 209 आपका आंसर आ जाएगा आइए क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि एक दुकानदार 20 परसेंट और 10 परसेंट की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पादन के लिए अपने उत्पाद के लिए 108 पाता है तो इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें ठीक है यानी मान लीजिए वास्तविक मूल्य था और उस पर बीस छूट दिया तो अस्सी बाईसो फिर दस छूट दिया तो नब्बे बाईस सौ और अब बोल रहा है कि एक सौ रुपया पाता है छूट देने के बाद तो अब हो गया एक सौ आठ रुपया एक सौ आठ रुपया तो अब इसको सोल्व कर लो एक्स का वैल्यू निकाल लो देखो कैसे नौ बट्टे में दस हो जाएगा बीस चौके के अस्सी बीस पाँच सौ हो जाएगा नौ से बारह नवा एक सौ आठ चार से चार ति आई बारह तो एक्स बराबर क्या आ गया पाँच दहाँ में पचास ती आई डेढ़ सौ डेढ़ सौ आपका आंसर आ गया ठीक है आप बिना कैलकुलेशन किए बना सकते हैं यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर सत्रह बोल रहा है राम अपनी मासिक आय का 20 परसेंट घरू जरूरतों पर घरेलू जरूरतों पर खर्च कर रहा है पर शेष आय का 15 परसेंट किताबों पर फिर शेष आय का 30 परसेंट कपड़ों पर खर्च करता है वो बाकी रुपए का संचय करता है यानी कि बचाता है पूरी गणना करने पर उसे मालूम हुआ कि उसने पंचानवे रुपए रुपये का संचय किया तो उसकी मासिक आय कितनी थी एक तो नियम हो गया कि आप 100 परसेंट मानिए और 100 परसेंट पर 20 परसेंट घरेलू पर खर्च करवा दीजिए तो बचेगा 80 अब 80 परसेंट यानी शेष का बोल रहा है 15 परसेंट किताबों पर तो शेष का 15 परसेंट करवाइए फिर जो शेष आएगा उसका यहाँ पर कुछ आएगा उसका 30 परसेंट करवाइए मेरे दो से लॉन्ग प्रोसेस होता है आइए शॉर्ट सिखाता हूँ बोल रहा है बीस अपनी घरेलू ज़रूरतों पर तो मान लीजिए कि टोटल उसका रहा होगा तो बीस खर्च कर दिया तो अस्सी बाईस फिर फिन पंद्रह परसेंट खर्च कर दिया तो पचासी बाईसौ फिर तीस परसेंट सेस का खर्च कर दिया तो सत्तर बाईस सौ यानी सब शेष लिख रहे हैं सत्तर बाईस सौ अब बच कितना जा रहा है लास्ट में पंचानवे सौ बीस रुपया तो ये हो गया पंचानवे सौ बीस रुपया आप काट लो आपका आंसर आ जाएगा देखो कैसे सात बाई दस पान से सत्रह बार में पांच से बीस बार में बीस चौके अस्सी बीस पाँच सौ ठीक है और कुछ कटेगा चार से कटा लेते हैं चार एक दुना के आठ चार तिहाई बारह तीन पंद्रह चार बाठे बत्तीस यानी ज़ीरो हो गया सात से कट जाएगा क्या सात तियाई इक्कीस सात सौ अट्ठाईस कट जाएगा सात तिया इक्कीस और इक्कीस दो तेईस तो सात सौ अट्ठाईस तीन सौ चालीस आ गया अरे तो पूरा कटते जा रहा है यार सत्रह दुना के चौंतीस बीस हो गया तो ये कितना हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा बीस मल्टीप्लाई बाई पाँच मल्टीप्लाई बाई बीस मल्टीप्लाई बाई दस ये जो आपको नीचे बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा बीस बिसया चार सौ चार 200, दो सौ बीस चार सौ और चार सौ पाँचे चार सौ में पाँच दाम पचास से मल्टीप्लाई कर दिए तो बीस हज़ार आपका आंसर हो जाएगा बीस के बीस हजार को शॉर्ट में बीस के लिख सकते हैं ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर अठारह बोला है ए सी पर डी मीडियन की लंबाई है जहां ए माइनस वन तीन है और बी का कोऑर्डिनेट वन माइनस वन है और सी का कोऑर्डिनेट फाइव वन है तो बी डी की लंबाई देखो ए अच्छा बी डी की लंबाई ए सी पर ना डी मीडियन है तो यहां पर होगा ए और यहां पर सी तो यहां पर क्या हो जाएगा बी और इस पर मीडियन है बी डी बी डी और ए का कोऑर्डिनेट दिया है माइनस वन थ्री और सी का दिया है वन माइनस वन ठीक है तो मीडियन है तो इन दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा बोलो हां तो दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो बी डी की लंबाई पूछ रहा है ठीक है बी और डी की लंबाई तो पहले डी का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए तो डी का कोऑर्डिनेट आपको कितना हो जाएगा अरे मेरे दोस्त डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे कि आधा आधा पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है तो वन माइनस वन 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 यानी जोड़कर भागा दे दीजिए दो से तो माइनस वन और प्लस वन कितना हो जाएगा जीरो माइनस वन प्लस वन बट्टे में टू तो ये हो जाएगा जीरो वन माइनस वन जीरो और थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन बट्टे में टू यहां पर मध्यक है तो इसे हम दो से डिवाइड कर रहे हैं ठीक है यहां पर मीडियन है तो तीन में से एक गया दो तो ये हो गया दो बट्टे में दो यानी कि एक और बी का कितना दिया है कोऑर्डिनेट ए सी लिख दिए ए लिखे और सी लिखे यहां पर गड़बड़ लिख दियो रेज करो इसको ठीक है समझिए ए है ए सी पर डी मीडियन है ए सी पर डी मीडियन है तो ये हो जाएगा बी तो ए का कोऑर्डिनेट दिया है माइनस वन थ्री और डी का आपको नहीं पता है और बी का दिया है वन माइनस वन और सी का दिया है पाँच वन ठीक है तो इसका कितना हो जाएगा दोनों को जोड़कर दो से भाग दीजिए तो पांच में से एक गया चार चार बाटे दो यानी कि दो और तीन में से एक घटा लीजिए या एक में से तीन घटा लीजिए किस में से घटाए थे पांच में से तो एक में से तीन घटा लीजिए तो एक माइनस तीन हो जाएगा आपको माइनस दो और माइनस दो बट्टे में दो यानी कि माइनस वन अरे मेरे दो जोड़कर भागा देना है माफ कीजिएगा मीडियन के लिए होता है बटे में टू और वाई वन प्लस वाई टू बट्टे में होता है टू ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा तो पाँच में से एक गया चार बट्टे में दो और पाँच तीन एक चार चार बट्टे में दो यानी कि हो जाएगा दो और इसका दिया है एक एक तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन टू दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन टू दी होल स्क्वायर तो एक्स टू मान लीजिए इसको दो में से एक गया एक यानी एक का स्क्वायर प्लस माइनस दो में से एक गया तो ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस दो और प्लस वन तो माइनस वन तो माइनस वन का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर दो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर आराम से समझिए पाँच प्लस माइनस एक चार बटे में दो यानी दो एक प्लस तीन बटे में दो यानी तीन एक चार बटे में दो यानी दो हो गया पॉजिटिव में तो एक्स टू आपका हो गया दो और दो माइनस एक आपका एक का स्क्वायर और दो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा तीन का स्क्वायर तो तीन तह नौ एक दस आपका आंसर बना रूट अंडर दस इसको आप लोग दो बार देख लीजिएगा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर उन्नीस बोल रहा है यदि थ्री ए बराबर टू बी बराबर सी है तो ए बी सी क्या हो जाएगा तो उसी फॉर्म में हो जाएगा एक बाई तीन एक बाई दो एक अरे मेरे दोस्त इसको अगर आप रेशियो में सजाना चाहें ए बी सी तो यह क्या हो जाएगा एक बाई तीन और ये हो जाएगा एक बाई दो और एक एक हो जाएगा ठीक है अगर दोनों को सिंप्लीफाई करके देखना चाहें तो कितना हो गया तीन दो छः तीन और दो का एल्सियम छः तो तीन दूना छः दो तिहाई छः छः इतना रेशियो आया अगर इसको भी सिम्प्लीफाई किया जाए तो एल्सियम छः तो तीन दूना छः दो तिहाई छः और छः एकम छः यानी इतना ही हो गया तो आप डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं कि थ्री है बराबर टू भी बराबर सी है तो इसको एक बट्टे में कर दीजिए अगर ए बी सी आपको रेशियो पूछेगा तो ठीक है कंसेप्ट याद रहेगा तो आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बोल रहा है एक डाटा का सेट गुणांक चौसठ है तो मानक विचलन मानक विचलन बराबर होता है अंडर प्रसरण प्रसरण लिखता है प्रसरण और गुणा कहें ठीक है, है। तो कितना दिया है चौंसठ तो रूट अंडर चौंसठ का वैल्यू कितना हो जाएगा आठ और कुछ बेवकूफ लोग मारेंगे प्लस माइनस आठ जो कि बिल्कुल रॉन्ग है अरे मेरे दोस्त रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या है तो निगेटिव संख्या बाहर आएगा तो निगेटिव संख्या हो जाएगा नहीं ना पॉजिटिव होगा ठीक है याद रखो आइए क्वेश्चन नंबर इक्कीस बोल रहा है एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों की मासिक औसत आमदनी एक रुपया है यदि पदाधिकारियों की औसत आमदनी चार सौ साठ रुपया तथा अन्य कर्मचारियों की औसत मासिक आमदनी एक सौ दस रुपया तथा यदि पदाधिकारियों की संख्या पंद्रह है तो कार्यालय में अन्य कर्मचारियों की संख्या देखो दो चीज़ दिया है और टोटल का दिया है तो आपको हमेशा बताते हैं कि दो चीज़ दिया रहे और टोटल का दिया रहे तो एवरेज निकालने का इससे अच्छा शुभ मुहूर्त नहीं होता है ठीक है तो आप लगा दीजिए पदाधिकारी का कितना दिया है औसत आमदनी चार सौ साठ रुपया तो ये मान लीजिए कि पदाधिकारी है चार सौ साठ रुपया अन्य कर्मचारी का कितना दे रहा है एक सौ दस रुपया एक सौ दस रुपया और सभी कर्मचारी का कितना दे रहा है एक सौ बीस रुपया एक सौ बीस रुपया ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए हल कर लीजिए तो जीरो जीरो कैंसिल बारह में से ग्यारह गया एक और छियालीस में से बारह गया आपका हो गया चौंतीस छः में से दो गया चार चार में से गया तीन चौंतीस यहाँ पर भी आए कि पदाधिकारियों की संख्या पंद्रह है यानी एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पर पंद्रह है तो कितना हो जाएगा एक यूनिट का वैल्यू पंद्रह तो कार्यालय में अन्य कर्मचारी कितना है चौंतीस यूनिट तो चौंतीस मल्टीप्लाई बाई पंद्रह तो पंद्रह चौके साठ के सोना पंद्रह तह पैंतालीस छः पैंतालीस छः इक्यावन पाँच सौ दस आपका राइट आंसर हो जाएगा आइए हाँ क्वेश्चन नंबर बाईस बोला है कि दसमलव पच्चीस का द्विधारी यानी बाइनरी डोन पर करें। आपको एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि दस भागा देते जाइए दो से या फिर एलसीएम कह लें तो दो यहाँ पर शेष लिखा जाता है दो बारह दुनिया के चौबीस तो शेष बचा एक दो छ के बारह शेष बचा जीरो दो तिह छः शेष बचा जीरो और दो एक कम दो शेष बचा एक अब नीचे से आपको लिखा जाता है ठीक है तो अब लिख लीजिए आपका आंसर आ गया आप इस वो चाहो तो शॉर्ट में एकदम कर सकते हो यार एक, एक जीरो जीरो एक, एक हो गया आपका एक, एक, जीरो, जीरो जीरो एक कौन है बी एक एक जीरो जीरो, जीरो एक बी अरे बी आइए क्वेश्चन नंबर तेईस बोला है कि चार घंटिया एक साथ बजने लगी फिर क्रमानुसार आठ नौ दस और पंद्रह सेकेंड के अंतर पर बजने लगी कितने सेकेंड बाद पहली बार चारों घंटिया एक साथ पुनः बजेगी ठीक है तो इसका एलसीएम सी हम आठ नौ दस आठ नौ दस पंद्रह का एल आठ नौ दस पंद्रह देख लीजिए पंद्रह सबसे बड़ा है और पंद्रह में आपको पाँच छुपा है दस के लिए दो से मल्टीप्लाई पाँच दुना के दस नौ के लिए आप क्या करेंगे तीन छुपा है तीन से और मल्टीप्लाई और आठ के लिए क्या करेंगे दो छुपा है चार से और मल्टीप्लाई पंद्रह दुनी के साठ छत्ती अठारह अठारह चौबहत्तर आ गया सात सौ बीस जो कि है नहीं यानी कि कुछ हम एक्स्ट्रा कर दिए हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 360, तीन सौ साठ लेकिन कहोगे कैसे ठीक है पंद्रह यानी तीन मल्टीप्लाई बाई पाँच दस के लिए हमें पाँच तो है लेकिन दो एवेलेबल नहीं है तो दो हो गया नौ के लिए तीन है लेकिन तीन एक चाहिए तो तीन हो गया आठ के लिए आपको चार दुनी के आठ चाहिए तो दो है और चार चाहिए ठीक है तो फिर एक साथ कब बजेगी तीन पांच पंद्रह दुनी के तीस नब्बे छत्तीस तीन सौ साठ सही तो है यार यहां पर क्या कंफ्यूजन था पंद्रह दुनी के तीस तिई नब्बे और नौ चौके छत्तीस सही यार सही है मैंने ही गड़बड़ कर दिया था ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर बोला कंप्यूटर के एक खेल में एक बिल्डर पांच घंटे में दीवार निर्मित कर सकता है बिल्डर है यहां पर बिल्डर पांच घंटे में बना दे सकता है जबकि विनाशक उसका नाम ही है नाश करने वाला विनाशक सात घंटा में उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है बिल्डर और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम करना शुरू करते हैं परंतु साढ़े तीन घंटों के बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया जाता है तो दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगेगा देखो सात और पांच का एल्सियम कितना हो गया पैंतीस तो एफिसियंसी निकाल लो तो एफिसियंसी हो गया आपको पांच से सात और सात पांच पैंतीस और यहाँ पर ये विनाशक जो है विनाश करने वाला है तो उसके आगे निगेटिव इफिशंसी हो जाएगा क्यों तो वो तो डिस्ट्रॉय कर रहा है तो अगर साढ़े तीन घंटे तक देखा जाए तो तीन यूनिट से बिल्डर बना रहा है लेकिन विनाशक उसको पाँच यूनिट से ख़राब कर रहा है यानी नष्ट कर रहा है तो दो यूनिट से खराब करेगा सॉरी दो यूनिट से बनाएगा क्योंकि सात में से पाँच गया दो और साढ़े तीन घंटों के बाद कितना समय लगेगा तो साढ़े तीन घंटा ठीक है तो साढ़े तीन दुनी के सात यूनिट काम कर दिया ठीक है आइए नेक्स्ट समझते हैं देखिए अब समझिए यहां पर सात यूनिट काम तो हो गया तो काम कितना बचा अब अट्ठाइस तो अब बोल रहा है कि साढ़े तीन घंटों के बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया गया अब विनाशक को गोली मार दिया गया कि विनाशक का आप काम को ए डिस्ट्रॉय मत करो तो आप बिल्डर सिर्फ करेगा तो सात से अठाईस काम करेगा तो कितना दिन लगेगा तो आप कहोगे कि चार दिन लगेगा लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगा तो चार दिन तो सिर्फ बिल्डर को लगा और साढ़े तीन दिन तो दोनों साथ में काम किया था तो टोटल दे के हो जाएगा साढ़े सात दिन आइए क्वेश्चन नंबर पच्चीस आज का लास्ट क्वेश्चन ठीक है बोल रहा है कि यदि एक बहुभुज में एन विकरण है चौवन विकरण है तो उनकी भुजाओं की संख्या देखिए सिंपल है कैसे निकालते हैं एन इंटू एन माइनस थ्री बट्टे में टू बराबर चौवन तो एन इंटू एन माइनस थ्री बराबर हो जाएगा आपको एक सौ आठ तो ऑप्शन रख लीजिए नहीं तो यहाँ पर दीर्घात समीकरण आ गया है ग्यारह रखते हैं तो ग्यारह मल्टीप्लाई बाई ग्यारह में से तीन गया आठ ग्यारह आठ है अट्ठासी नहीं होगा अगर बारह रखते हैं तो बारह में से तीन गया नौ बारह नवा एक सौ आठ आपका सेटिस्फाई होगा तो आपका आंसर हुआ बी एक क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं चौदह ये क्वेश्चन में कुछ मिस है या फिर मैं ही मिस कर रहा हूँ जैसे देखिए बोला पचपन वस्तुओं का मूल्य एक्स वस्तुओं के मूल्य के बराबर है यानी पचपन सीपी बराबर एक्स एस पी तो सी पी एस पी का रेशियो आपका आ गया एक्स और पचपन तो इसको लाभ कितना हुआ परसेंटेज में तो पचपन माइनस एक्स बटे में एक यानी सी पी और परसेंटेज के लिए सौ और टोटल का वैल्यू दिया है यहाँ पर दस परसेंट तो दस बटे में सौ दिया है ठीक है दस परसेंट अच्छा यहाँ पर लाभ परसेंट हम लिखिए दिए सौ से अच्छा एक बार इससे करके देखते हैं तो ये हो जाएगा पाँच सौ पचास माइनस सौ एक्स बराबर हो जाएगा दस एक्स तो ये कितना हो जाएगा एक सौ दस एक्स तो पाँच सौ पचास बराबर एक सौ दस एक्स तो एक्स बराबर क्या आ गया आपको पचपन ग्यारह पाँचे पचपन पांच तो बोल रहा है एक्स का मान क्या होगा पांच यार इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा ये पता नहीं क्या बोल रहा है ठीक है एकदम सिंपल क्वेश्चन है इसको हम कहते हैं कि ऑप्शन रखकर देख लेते हैं पैंतालीस वस्तुओं का मान लेते हैं कि विक्रय मूल के बराबर है यानी पचपन सी बराबर पैंतालीस एस सबसे बेस्ट तरीका तो एस अरे 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 सी पी एस पी का रेशियो कितना हो जाएगा पैंतालीस पचपन कितना का अंतर नौ का पचपन नौ पैंतालीस नौ पचपन नौ बट्टे में पैंतालीस मल्टीप्लाई बाई सौ यानी नौ पाँचे पैंतालीस पाँच से बीस परसेंट नहीं होगा एक बार पचास रखते हैं पचपन वस्तुओं का क्रैमूल पचपन सी पी बराबर एक्स वस्तुओं का बिक्रैम तो पचास एस पी रख लेते हैं तो ये हो जाएगा सी पी एस पी तो पचास पचपन पांच बटे में पचास मल्टीप्लाई बाई सौ पांच दहा पचास दस परसेंट आ गया आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच